असलम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड टें टॉपिक है हमारा पास सिंपल टेंस आपने ये भी सारे टेंसेज प्रीवियस क्लासेस में पढ़े स्ट्रक्चर है पास सिंपल का सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए वेरी इम्पॉर्टेंट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनफैक्ट ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट करता है राइट नाउ ही टोल्ड अ लाई ही इज़ द सब्जेक्ट टोल्ड आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अ लाई लाई इज अ ऑब्जेक्ट अब यहाँ देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट है पास टेंस में जब आप हम पास टेंस यानी जो बात हो गई जो वक्त गुजर गया वो पास्ट में काउंट होता है ठीक है तो पास्ट बेसिकली आप देखो कि जब आप नरेटिव राइटिंग लिखते हो या कोई एक्सीडेंट लिखते हो नरेटिव राइटिंग में तो वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है कोई स्टोरी आप किसी को बताते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्टोरी पढ़ी या आपने कोई मूवी देखी जब आप किसी और को बताते हो या वो लिखते हो तो वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है पास सिंपल पास कंटिन्यूस के फॉर्म में आती है जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में सारे जो टॉपिक्स बताए तो प्रेजेंट में वो होता है कि जो आप प्रेजेंट में जो हो रहा है सामने जो कुछ है वो प्रेजेंट में आप शो करते हो यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब होगी वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो बिकॉज वो आपके सामने हो रहा है एंड यू आर राइटिंग डाउन फॉर एग्जाम्पल आपका जो शेड्यूल है या आपका डे दे, आपकी डेली रूटीन है यह आप बेसिकली प्रेजेंट में लिखते हो बिकॉज डेली डेली बेस पर आप वो काम कर रहे हो सो दैट इज़ योर प्रजेंट सिंपल टेंस राइट नाउ दिस इज़ योर पास सिंपल अब सेकेंड सेंटेंस देखो ही पनिश्ड ऑल द बॉयज ही अगेन आपका सब्जेक्ट हो गया पनिश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क ऑल द बॉयज़ बॉयज़ आपका ऑब्जेक्ट आपको ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल परफेक्ट करना है स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसके अलावा आपकी आपके जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो अगर आपके परफेक्ट है तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे टेंसेस में ये आपको पता होना चाहिए और ये टेंसेज इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्दर एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं नेक्स्ट वी डिड नॉट विन अ मैच वी अगेन इज़ द सब्जेक्ट डिड नॉट आपको पता है डिड जो है वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और जब भी डिड इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेन का इस्तेमाल करते हैं ये याद रखो बिकॉज डिड से अब से पता चलता है कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मतलब पास्ट टेंस है और ये कौन सा से, ये नॉट आ गया किसी सेंटेंस में तो दैट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस अगर नॉट हट गया वी डेड अ मैच ये ज़रूरी नहीं है अगर आपको जज करना है कि नेगेटिव किस तरह सेंटेंस होता है तो नेगेटिव में नॉट से आप जज कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है ठीक है अब यहाँ देखो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ये पास्ट टेंस में नहीं जा रहा है आप डेड को देखोगे डेड इज़ यूज फॉर द पास्ट टेंस सो वेन डेट मैंशन है ऑलरेडी इसके बाद अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा यानी इफ़ वी डिड नॉट वन अ मैच वन अगर आप यहाँ लिख देते हो वन आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सॉरी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो अगर ये आपने यहाँ लगा था तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा हमेशा याद रखा कि जब भी डिट का इस्तेमाल होगा तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और डिट से आप जज करोगे कि आपका पास टेंस में पास सिंपल टेंस में सेंटेंस जो आ रहा है नेक्स्ट वाई डिट शी वी वाई अगेंस्ट सब्जेक्ट डिट शी वी वी का मतलब रोना है वीप आपकी फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ठीक है और डिड से आपको अंदाज़ा लगता है कि ये पास टेंस है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पास कंटिन्यूस। पास कंटिन्यूस में अगेन सब्जेक्ट वॉज वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट नाउ वॉज और वर् वॉज आपको पता है एक के लिए इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो हम ए uh, वॉज़ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर् का इस्तेमाल होगा नाविया द बॉयज अगेन या एस है फ्लोरल है तो हमने वर्ड का इस्तेमाल किया बॉयज़ वर्ड मेकिंग मेकिंग आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगता है आई एन जी हाँ आप कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं ठीक है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आई एन जी लगता है और जब भी सेंटेंस में आई एन जी होगा वर्ब के साथ यानी आई एन जी वर्ब uh, के साथ होगा इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूस में जा रहा है वर्ड से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है और मेकिंग आईएनजी है वर्ब के साथ आईएनजी है इसका मतलब है कि ये कंटीन्यूस है दैट मींस दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस द बॉयज व मेकिंग अ नॉइज हमेशा बॉयज़ के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ठीक है यानि बॉयज़ के बाद का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह द लाइन वॉज रोरिंग लाइन इज द सब्जेक्ट लाइन सब्जेक्ट के बाद वॉस का इस्तेमाल हुआ है लाइन एक है इसलिए वॉस का इस्तेमाल हुआ और रोरिंग यानि वो दहाड़ता है ठीक है तो रोर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके साथ आई लगा तो रोरिंग हो गया वेर वर दे गोइंग वेर योर सब्जेक्ट वर इज़ द हेल्पिंग वर्ब दे आपका ऑब्जेक्ट uh, है गोइंग इज़ द व ठीक है गो का गो है गो के साथ आई लगा तो गोइंग हो गया दे व नॉट प्लेइंग अ मैच अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का इस्तेमाल हुआ है दे है आपका ज़्यादा तो वर् का इस्तेमाल हुआ है नॉट प्लेइंग प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्फ आई एन जी लगा अ मैच ठीक स्ट्रक्चर के मुताबिक ही ये सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं नेक्स्ट इज पास परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब यहाँ सब्जेक्ट के साथ हेड जब हैड का इस्तेमाल होता है दैट मीन्स दिस इज योर पास परफेक्ट टेंस जब भी एक सेंटेंस में हेड का इस्तेमाल होगा आपको फ़ौर क्लिक होना चाहिए कि ये पास परफेक्ट है और हमेशा पास परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है यह आपको जहन में रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है ही हैड गॉन टू लाहौर नाउ अगेन ही इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्क का इस्तेमाल करते हैं हेड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास परफेक्ट गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू लाहौर लाहौर आपका ऑब्जेक्ट है सो ही हैड गॉन टू लाहौर यहाँ हैड आपका हेल्पिंग वर्क और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ग नेक्स्ट शी हैड लॉस्ट ह पर्स शी इज द सब्जेक्ट अगेन हैड हेड से आपको अंदाज़ा होगा कि ये पास परफेक्ट है लॉस्ट हर पर्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लॉस्ट एंड हर पर्स पर्स इज द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस हैड दे वन द मैच अब आपको पता है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जब भी सवालिया जुमला होता है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का पहले इस्तेमाल करते हैं शी हैड अगर इसको Uh, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम हैड हैड का इस्तेमाल पहले करेंगे ठीक है सो यहाँ शी हैड लॉस्ट हर पर्स नेक्स्ट है हैड दे वन द मैच हैड दे वन द मैच यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किया उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया वन द मैच वन वन द मैच यह आ गया सवाल या जुमला दैट मीन्स दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट सब्जेक्ट हैड आपका परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड है डाइड इज अगेन द वर्ब बिफोर द डॉक्टर केम नाउ पास परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट तो आपको समझ में आ गया कि हैड का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ देखो कि सब्जेक्ट के बाद हेड है हेड के साथ बी डबल ई एन बीन का इस्तेमाल होता है बीन हमेशा तभी इस्तेमाल होता है जब वर्ब जब ये कंटीन्यूस में होता है दैट मीन्स वर्ब वर्ब के साथ आई एन जी लगाओ तो आई एन जी यानी कंटीन्यूस अगर है सेंटेंस और उसके साथ बीन लगा हुआ है दैट मीन्स दिस इज़ योर पास परफेक्ट कंट्री ये आपको मुंह ज़बानी आना चाहिए कि आप सेंटेंस देख के फ़ौरन अंदाज़ा लगाओ कि कौन से टेंस में सेंटेंस जा रहा है तो यहाँ हेड से परफेक्ट होता है और बीन के साथ वब के साथ आई जी लगा तो ये आप कंटिन्यूस में जाएगा यानी आपका पास परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है प्लस सेंस स्लैश फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है परफेक्ट uh, कंटिन्यूस में चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस हो चाहे वो पास परफेक्ट कंटीन्यूस हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस हो सेंस और फोर का इस्तेमाल होता है दे हैड बीन प्लेइंग दे हैड बीन प्लेइंग यानी सुबह से मॉर्निंग से मॉर्निंग से आफ्टरनून से नाइट से तो उसके लिए सेंस का इस्तेमाल होता है एट हैड नॉट बीन ड्रेस लेंग सेंस मॉर्निंग एट हैड नॉट ये नेगेटिव में जा रहा है सेंटेंस एट हैड हमेशा नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है ठीक है सो इट हैड नॉट बी ड्रिसलिंग सिंस मॉर्निंग यानि सुबह से जो बारिश ना बूंदाबांदी जो हो रही उसे है उसे ड्रिसलिंग कहते हैं सो इट हैड नॉट बी ड्रेसलिंग सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट आई हैड बी राइटिंग फॉर फोर ईयर्स मैं कितने चार सालों से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ फोर ईयर्स यानि यहाँ आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है फ़ोर ईयर्स इसीलिए फोर इयर्स का जब ड्यूरेशन जो सेंटेंस में ड्यूरेशन दी जाती है उसमें हम फोर का इस्तेमाल हो करते हैं और ये टाइम से ये टाइम से का जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वो सुबह से खेल रहे सुबह से बारिश हो रही है या नहीं हो रही है से का इस्तेमाल है तो सेंस और जो ड्यूरेशन दे बताते हैं तो वो फोर एफ ओ आर फोर का इस्तेमाल होता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो और ये जो भी ये लिखे हुए सारे टेंसेस uh, के जो एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर्स uh, लिखे हुए ये आप लोग भी अपनी जर्नल में पेन डाउन कर लेना थैंक यू